नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, रेट एनालिसिस इन टेंडरिंग। जब भी टेंडर हम लोग वर्किंग शुरू करते हैं, तो टेंडर शुरू करते समय हम लोगों को ईच एंड एवरी आइटम्स का रेट एनालिसिस करना पड़ता है। वो सारे चीज़ कंसिडर करके, जैसे कि टेंडर ड्राइंग्स हो गया, टेंडर स्पेसिफिकेशन हो गया, तो ये सब कंसिडर करके हमको रेट एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये रेट एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये हम आज डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जरूर जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक, उस पर हम बात करेंगे कि रेट एनालिसिस इन टेंडरिंग। जब भी टेंडर हम लोग वर्किंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो पूरा आइटम्स का स्टडी करने के बाद में रेट एनालिसिस करते हैं। तो रेट एनालिसिस करते समय वो पर्टिकुलर किसी भी आइटम्स का रेट डिराइव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है मटेरियल, उसके बाद में है लेबर, उसके बाद में है प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद में है अगर सब कॉन्ट्रैक्टर यूज़ किया तो सब कॉन्ट्रैक्टर, और फिर ओवरहेड्स जो भी है ओवरहेड्स, और बाद में हम लास्ट में टॉप शीट में जो टैक्सेशन उसके साथ ही प्रॉफिट वो सब कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मटेरियल। मटेरियल का हम रेट एनालिसिस करते समय उसका बेसिक कॉस्ट कंसिडर करते हैं, बेसिक कॉस्ट प्लस उसका फ्राइट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर वो साइट पे कितना यूज हुआ क्या, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट कंसिडर करते हैं। इसके बाद में लेबर, लेबर का हम लोग रेट इस हिसाब से लेते हैं कि अभी लेबर का वो प्रोडक्टिविटी कैसा है, वो पर्टिकुलर आइटम के लिए या फिर वो क्वांटिटी के लिए कितने लेबर लगने वाले हैं, और लेबर का मार्केट रेट क्या चल रहा है उस हिसाब से, और लेबर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो लेबर का रेट कंसिडर करते हैं। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। तो ये प्लांट एंड मशीनरी अभी वो पर्टिकुलर टेंडर कंडीशन के हिसाब से कौन कौन सी मशीनरी लगने वाली है, कौन कौन से प्लांट लगने वाले हैं, तो उसका कॉस्ट, अगर अपना ओन मशीनरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट कंसिडर करते हैं, अगर हायर करने वाले हैं तो हायरिंग चार्जेस कंसिडर करते हैं, और अगर नया परचेस करने वाले हैं तो वो परचेस करने के बाद में उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना हम लोड कर सकते हैं, वो उतना परसेंटेज हम लोड करते हैं। उसके बाद में है सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर को के जो भी कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर एक अपना एक सर्टन मार्जिन डाल के उसका रेट हम डिराइव करते हैं। तो इस हिसाब से रेट एनालिसिस करते हैं। अगर ध्यान में रखना है, शॉर्ट में ध्यान में रखना है, तो PLMS ऐसा ध्यान रख सकते हैं, जैसे P फॉर प्लांट एंड मशीनरी, L फॉर लेबर, और उसके बाद M फॉर मटेरियल एंड S फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर। इसका अपन टेंटेटिव अगर कॉस्ट देखा जाए, एक जनरल कॉस्टिंग है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी 5-8% कॉस्ट रहता है, जैसे लेबर का जैसे 25-30% कॉस्ट पकड़ते हैं, उसके बाद में मटेरियल का जैसे 60-65% कॉस्ट पकड़ते हैं, और सब कॉन्ट्रैक्टर वो पर्टिकुलर कौन से आइटम के लिए यूज़ किया है, कितने अमाउंट वर्क डन के लिए यूज़ किया है, उस हिसाब से उसका कॉस्ट पकड़ते हैं। तो ये रेट एनालिसिस करते समय ये चारों का, मतलब प्लांट लेबर, प्लांट मशीनरी, लेबर, मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टर, इनका पूरा एक्यूरेट मेजर एक्यूरेट एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस करते समय स्पेसिफिकेशन, टेंडर स्पेसिफिकेशन है, उसको ठीक से पढ़ के उसको देखना है, और उसमें जो जो कंडीशन है, उसमें जो जो बातें बताई गई है, उसको एनालिसिस में इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही में ड्राइंग स्टडी करके ड्राइंग के हिसाब से भी उसको एनालिसिस में यूज़ करना है। और साथ में जैसे रेट एनालिसिस हम करते हैं, तो कोई भी रेट डिराइव करने के बाद में हम पर्टिकुलर टैक्स, अगर स्पेशल पेशल है तो टैक्स पे ऐड करते हैं, तो ओवर हेड्स पे ऐड करते हैं, ये कभी कभी ये टैक्स और ओवर हेड्स हम पर्टिकुलर टॉप शीट में ऐड करते हैं, तो कभी कभी इंटरनल में ऐड करते हैं। सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि अगर इंटरनल रेट एनालिसिस कर रहे हैं, तो हाँ अगर हमने कंसिडर किया है तो उसको
टॉप टॉप शेप में कंसिडर नहीं करना है या फिर ओवरऑल ऐड करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।